Hey guys, welcome back to my channel. तो गाइज़ मेरे इंस्टा फॉलोअर्स को पता होगा कि मैं घूमने जा रही थी पाकिस्तान टूर पर, मतलब पंजाब साइड. तो फाइनली मैं वहाँ आ चुकी हूँ. फर्स्ट हमारा स्टॉप था नानकाना साहिब, पर मैंने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया. मैंने सोचा मेरा कोई मूड ही नहीं था. फिर आप लोगों को मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी अच्छे लगते हैं, और ये दिया मेरे सारे कज़न व्लॉग बनाओ, हमें देखने में मज़ा आता है, अब इनको देखने में मज़ा आता है मेरे साथ होकर, तो आप लोगों को कितना ही मज़ा आता होगा. तो मैंने आप लोगों का सोचा, तो इस व्लॉग में बहुत सारा प्यार दिया, बस मेरी ये बात मान लिया करो, ठीक है. तो गाइज अभी मैं करतारपुर आई हुई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ. बट अभी तो हमारा यहाँ सामने रूम था, तो अभी मैं वहीं पर आई हुई हूँ और अपना पूरा आउटफिट दिखाने वाली हूँ. तो मैं अब दूसरी साइड आ चुकी हूँ आपको अपना आउटफिट दिखाने के लिए. यार अभी मैं आपको करतारपुर पूरा दिखाऊँगी और दिया का आप आउटफिट चेक करें. माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी ये मेरा भी आउटफिट दिखाएगी. गाइज आपकी बहन बहुत ही प्यारी लग रही है ना, आउटफिट चेक. अभी मैं ना आपको, अभी पहले मैं खाना खाऊंगी. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना खाकर फिर ही मिलती. यार अभी नहीं दिया ने तो रात का खाना भी नहीं खाया था. खैर अभी हम खाना खाकर फिर मिलते हैं, फिर मैं आपको करतारपुर अंदर से तो अलाउ नहीं है, और हमें ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए. जहाँ पर वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है वहाँ पर नहीं बनानी चाहिए. तो मैं जहाँ बना सकती हूँ वहाँ बनाऊंगी. ओके, तो गाइस इनकी वजह से हमें लेट हो रहा है. मैं तो सबसे पहले ही तैयार हो चुकी थी और सपना सबसे लेट तैयार हुई है. गाइस मैं भी जल्दी तैयार हूँ, मतलब जिस हिसाब से मैं लेट के. तो हमारी एक्सप्लेनेशन सुने हम खत्म. मीट सोनू. हाय सोनू, बात है बात. हाय नोनू. हाय टिंडुलकर. हाय लिटिल टिंडू. तो गाइस ये ये है ना गाइस, हम यहाँ सोए थे, ये हमारा हॉल, सब अपनी अपनी जगह पे सोए थे. और हाँ एक और चीज मुझे पता नहीं थी कि ये है हमारे घर का लिटिल टिंडू. प्रिया जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है. यहाँ अच्छी नहीं आ रही आउटफिट तुम्हारी. हाँ मुझसे है ना सोनू पूछ रहा है कि मुझे फैंस मिले, मुझे ना नान काना पे मिले थे. सखर जो मैं जैसे ही नानकाना साहिब आई वहाँ, मैंने व्लॉग नहीं किया तो मुझे ना मैसेज आया कि मैंने आपको देखा आप नानका. अभी 2 मिनट हुए थे एग्जैक्टली 2 मिनट. अब फिर 2 लड़कियाँ मिली भी थी. खैर मतलब अच्छा लगता है, वो बहुत फ्रेंडली थी तो थोड़ी बहुत कचेरी हुई. खैर तो अभी है ना लिटिल टिंडू. तो खैर अभी गाइज अब हम है ना खाना खाने वक्त मिलते हैं. अब कुछ हमेशा मेरे व्लॉग में चुप होता है, अब कुछ बोलो. बस ये क्या है ना जी, हालत कौन सा कर रहे हैं ना, सुना ही ना व्लॉग में बात कर रहा. तो हम फाइनली जा रहे हैं अब खाना खाने. इन्होंने अपने मेकअप वगैरह कर लिए. और गाइज आपको मैंने एक चीज़ बतानी थी, जो फर्स्ट टाइम आते हैं ना वो है ना NIC ज़रूर लेकर आए, मतलब कि NIC की नीड होती है, फिर ये कार्ड मिलता है वगैरह. तो ये कार्ड बहुत ज़रूरी होता है. अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपकी नॉलेज गेन कर रही हूँ, ठीक है प्रिया. ओके हम पास गए थे ना, हाँ कुमकुम के साथ बहुत बड़ा सीन हुआ था. उसके पास था ही नहीं NIC की पिक्चर, NIC था ही नहीं, मतलब कि खैर हमारे पास तो था. तो अगर इशू किया लाइक वो फैमिली के साथ नहीं आई थी अपनी, लाइक पेरेंट्स के साथ नहीं आई थी. तो अगर आपको कोई मतलब कि किसी को नहीं पता हो तो मैंने कहा आप लोगों को बता देते. अभी हम खाना खाने जा रहे थे और बीच में इतना खूबसूरत व्यू नज़र आ गया, मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी सही से. बट अभी हम जा रहे थे मैंने कहा तो अभी हम जा रहे थे मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. मैं इसको ढूंढ रही थी कहाँ गई. तभी हमारा खाना आ चुका है, चेक करें सबकी प्लेट. ओके गाइस एंजॉय योर फूड. गाइस अभी मैं करतारपुर के खाने का पहला बाइट लेने वाली हूँ. तो हमसे पहले ये सब बैठे थे, आप चेक करें.
मैं पहले नहीं बैठी थी, ये मेरे साथ और हम पानी पीने आए, पानी पूरी खाने आए। हाँ, ये मेरा वेट कर रहा था कब मैं आऊंगी, कब इसका ब्लॉग बनाऊंगी, है ना। स्टार मार के बैठे हुए थे यहाँ पे, है ना यार। करण पानी मंगवा कर दो ठंडा, पा रहे थे मुझे पानी। तो अभी मैं पानी प्रसाद पानी पिया है, बट अंदर गर्म था। पानी प्रसाद सुकुमिला भैया वहां पिए ना। हाँ चाहिए तुम्हें, चाहिए जल, जल चाहिए, चाहिए थोड़ा सा अन्य पानी दो प्लीज, पानी देना। सो रूड, अरे मां बियो गिलास थोड़ा लिया। चीयर्स, के चीयर्स कर लो कोल्ड ड्रिंक के साथ अपना। एक चीयर्स, डॉक्टर डिनर, हियर यू गो। चाहिए चाहिए साईं जल प्रसाद तेरी जो छा दी जो जल प्रसाद वो कौन सी पानी पानी प्रसाद जल प्रसाद। तो मैं अंकल से रिव्यू लेने लगी हूँ कि करतारपुर में मजा आया, अंकल को कैसा लगा, क्या सीन है। जी जी आपसे पूछूंगी पहले अंकल, तब बताओ कि तांके ते किया लगो मजो आयो छा। डिवोशनल जेके बेकन प्लेसेस हन ते आनंद ही आनंद, सुकून ही सुकून, हेवन हेवन जेके डिवोशनल एकन के संतन महात्मा जो जेके जगह हो ना आनंद आई होते बियो ते बोते कुते मिलगो। हे कृष्णा, हे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, धन गुरु नानक धन गुरु। ता बुदे वाणी इन प्लेस ते एडो सुकून आ, ता इंदा हो ना पांजे पाने एडो सुकून आ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पांजे अंदर जो सुकून ना महसूस कर। हां पोत वेरे लो लोग, हां वेरे रो ते डोरा तू मा चाहो बरात वेरे रो ता सोनो ताके बुदाड़ वो ना ता बुदाओ मसाला ना हो बुदाड़ पर है ते सुकून आए कुछ को ना बुदाड़ दाए। अच्छा चलो बके कुछ करो बुदाओ पर ते सुकून ना बयान करे हो ता अंकल ओ मतलब आज सत्य नहीं था तारो से वही सब होता सत्य नहीं है रेडी है अंकल पो सोनो कैंसिल क्यों ਉਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਆਸੀ ਤਾਂ ਬਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਪੇ ਲਗੇ ਤੇ ਸਾਡੋ ਮਜ਼ੋ ਪਿਆ ਚ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਖੇਲ ਚੇ ਪੇ ਤੇ ਚਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਨਾਰਾ ਸੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਅੰਕਲ ਕੇ ਜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਅੰਕਲ ਕੇ ਜੇ ਪੇ ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਚਾਡੀ ਕਿਹੜੋ ਤੇ ਤੇ ਟੋ ਲੈ ਆਉਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਡੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਜਦੇ ਆਂ ਘਰਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਸੁਕੂਨ ਵਟਾ ਓਕੇ ਕੇ ਹਾਣੇ ਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਣੂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਕਾ ਮਾ ਵਟ ਤਾ 10 ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਇਹਦੀ परेशान मेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान असो फैसिलिट किया शुक्र गुजार ना क्यों तो मैं पान से जुलम तो यहाँ जो लोग काम करते हैं मैं उनसे भी पूछने वाली हूँ कि उनका वहाँ यहाँ का एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है। इतने साल हुए तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आप लोग सिंध से जो लोग आते हैं हम स्पेशल उनसे बड़ा मतलब के प्यार के साथ हम उनको डील करते हैं। आपको यहाँ कितने साल हुए? ये तकरीबन जब से गुरुद्वारा साहब ओपन हुए है ना 2019 के तब से हम इधर है। वैसे उससे पहले भी जब ये ओपनिंग नहीं हुई थी ये सारा कुछ नहीं था बना हम तब पहले भी इधर आते थे। तो बड़ा अच्छा लगता है जी आपको मिलके बड़ी खुशी होती है। हर किस्म के यहाँ लोग आते होंगे, हर रंग के लोग आते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी आते हैं, इंडिया के लोग आते हैं। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं और फॉरेन फॉरेन वर्ल्ड में जो भी हिंदू हैं तो वो सब यहाँ आते हैं। आ रहे हैं क्रिश्चियन, आ रहे हैं हिंदू, आ रहे हैं क्रिश्चियन भी विजिट करते हैं। ही बहुत क्रिश्चियन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं। ये है कि सभी मजहब के लोग इधर आ रहे हैं अपनी इबादत कर रहे हैं। जिस शॉप पे बैठे हैं वो शॉप हम आपको दिखाते हैं, अच्छा बंदा है बहुत, इसका जूस भी पिए, उसका टेस्ट भी है जूस का। ओके फुली सेटिस्फाइड फाइनली गाइस, जिस चीज का आप लोगों का इंतजार था हियर इट इज, सुकून जन्नत से टू बी ऑनेस्ट ये जगह कम नहीं, इतनी कोई प्यारी बनी हुई है माशाल्लाह। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आप लोग आपको तो बालपुरी भी बहुत अच्छा लगता है, जन्नत जैसा लगता है, और ये भी तो यार टू बी ऑनेस्ट टेंपल्स मंदिर जो होते हैं ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसे पापा ने कहा कि डिवोशनल प्लेसेस जो होती हैं ऐसे
तो वो उधर सुकून ही सुकून है। हाँ तो मतलब टेम्पल्स मंदिर गाइस जन्नत जैसी जगह होती है। राख ले हो महरा खनहारे साहिब संत सहाय बचाई सवैया। तो गाइज मैं इस जगह भी आ चुकी हूँ बट मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। अंकल आपको कुछ पता हो तो। अच्छा ये जो है खंजर है ना, गुरु सिख जो है खंजर का जो पांच उनके एलिमेंट वो अपने पास रखते हैं उसमें एक खंजर है, सिंबल है तो जो रखते हैं। तो ये जो इनॉग्रेशन थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की थी तो ये उसको एज अ सिंबल करके इनॉग्रेशन। अच्छा तो गाइस ये एक सिंबल है, गुरु नानक साहब जो पांच चीजें अपने पास रखते थे तो उनमें से ये है। एक ये खंजर है, खंजर मतलब के जैसे कोई पगड़ी होती है एक वो हो गई एक खंजर हो गया, तो ऐसे पांच चीजें हैं तो उनमें से ये एक चीज है। रात को व्यू चेक करें कितना प्यारा लग रहा है यार मेरा। भगवान असल में आए वाले की डॉक्टरी ला करी हूं कोला वाला आ गई हूं पढ़ाई ला कामा बने बारे में मौका दे मेरा कोई डॉक्टर की जा दोनी डॉक्टर की जा दिया डॉक्टर की जा दो बाटी होली डॉक्टर की जा भगवान बेड़ा पार की जा दुख का रूप जा जोड़ सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ने ये शॉर्टकट डिसाइड किया पूरा वहाँ से घूमकर वहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से सीधा हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो ये हमारा शॉर्टकट है। तो गाइज अभी हम थक हार कर रूम में पहुँचे और हमारे साथ प्रैंक हो चुका है, रूम लॉक किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारा सामान पड़ा था। अभी हम विंडो से जा सकते हैं तो जाए वरना तो मेरी अम्मी बता नहीं मुझे क्या नहीं गरम ओह तो ठीक है गरम ये अभी वणी भी दे वणी आंगी हां मम्मी वणी भी नहीं गाइस मीट माय मॉम। मेरी अम्मी नहीं आना पसंद करती व्लॉग में, उसकी बेटी शौकीन और अभी मैं क्या ट्राई करने वाली हूँ सेवैया। तो गाइस प्रीति के कहने पर हम जाने लगे, कहाँ लेकर जा रही हो नीचे कहाँ अब ये जा रही है गेम्स वगैरह खेलने, प्रीति के कहने पर भाग रही है मुझे छोड़कर। यार रूम लॉक हुआ हुआ है मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर हम इनके रूम में गए थे। थोड़ी कच्ची कच्ची है मेरा उर्दू थोड़ी जटा है तुम्हारी तरह मेरा भी थोड़ा जटा है कच्चा है। ये देखे आप ये करण नहीं आया है मेरा थोड़ा पेट लगा पड़ा है हर दिल दिल देखो जो मुंजी में बैठा था हम भी अच्छा थी सो रूड तो यहाँ पर टिकटॉक डिसाइड हो रही है कि कौन सी बना है और मुझे पता नहीं कौन सी लाइन मिलने वाली है। मेरी लाइन बताओ पहले तोबा मंदिर में क्या करवा रहे तोबा लड़की देखी करा रही कौन सा लड़के से। अभी जा रहे हैं हम रात का खाना खाने। मैं भी जा रही हूँ तुम भी हाँ तुम भी जा रही हो हमें हम तो नहीं लेकर जा रहे ओ तो माइक के बैठियो चीटिंग 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 करता है तू। सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गाइस ये है मेरी बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी भाभी, मुझे भी तारीफ कर मुझे यही तारीफ कही जाम प्यारी है ना आई लिटिल टिनू सोता पिया साजे और नहीं सोता पिया तो गाइज मैं रात को व्लॉग एंड करना भूल गई थी बिल्कुल ही, मतलब कचहरी मजाक मस्ती की फिर सो गई पांच तक, अभी आठ हुए हमें जबरदस्ती उठाया गया कि चलो क्योंकि आज भी हमें ट्रेवल ही करना है। आज हमारा शायद इस्लामाबाद का सीन है, पहले नारायण कागंज का था अब इस्लामाबाद का हो गया, मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, शायद वापस कार में हमारा मूड चेंज हो जाए तो बस यार चलते हैं। अभी आपको सिर्फ मेरी आंखों में नींद ही नजर आ रही होगी तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप यू गाइस लाइक्ड इट, बाय।